बॉलीवुड में दोस्ती पर आधारित एक से बढ़कर एक फिल्में बनी हैं। इनमें से अधिकतर को दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला है, चाहे बात करें शोले की, धर्मवीर की, दोस्ताना की या फिर याराना की। साल 1987 में राकेश रोशन ने भी दोस्ती को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया और खुदगर्ज जैसी बेहद कामयाब फिल्म लेकर आए। फिल्म क्राफ्ट के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण, निर्देशन व कहानी लेखन किया था राकेश रोशन ने। इसकी पटकथा लिखी थी मोहन कॉलर रवि कपूर ने तथा संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने। तकरीबन 2 घंटे 25 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था 31 जुलाई 1987 को तथा इसके प्रमुख, सहायक व मेहमान भूमिकाओं में नजर आए थे जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, अमृता सिंह, भानु प्रिया, गोविंदा, नीलम, ऋषि कपूर, सुषमा सेठ, कादर खान, सईद जाफरी, किरण कुमार, सत्यन कप्पू आदि। फिल्म खुदगर्ज अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे इंदिवर और फारूक कैसर ने तथा धुन तैयार किया था राजेश रोशन ने। फिल्म में कुल 6 गाने रखे गए थे जिनके बोल है, यही कहीं जियारा हमार, लोग कहते हैं जिंदगी का नाम दोस्ती के 3 वर्जन और आपके आ जाने से। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी नितिन मुकेश, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म खुदगर्ज साल 1987 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 1,30,00,000 रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 4,75,00,000 रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को सुपरहिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म हुकूमत, जिसने 5,50,00,000 रुपयों का कारोबार किया और सुपरहिट साबित हुई, तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म मिस्टर इंडिया, जिसने 5,00,00,000 रुपए कमाए और हिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, राकेश रोशन को लेकर यह झूठ प्रचलित है कि इस फिल्म की सफलता के लिए उन्होंने अपना सिर सदा के लिए मुड़वाने का फैसला किया, लेकिन सच यह है कि राकेश रोशन अपने युवावस्था से ही बाल झड़ने की समस्या से परेशान थे, जो कि उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम थी। ऐसे में उन्होंने हीरो बनने के लिए विग लगानी शुरू कर दी, लेकिन 80 के दशक के उत्तरार्ध में जब उन्होंने अभिनय करियर को अलविदा कहकर पूर्ण रूप से निर्माता निर्देशक बनने का फैसला किया तो उन्हें विग लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आया और अपने कम्फर्ट के अनुसार उन्होंने सिर मुड़वाना ही ज्यादा उचित माना। वैसे भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज में यह परंपरा पहले से ही शुरू थी और राकेश रोशन हॉलीवुड फिल्मों के हार्डकोर फैन हैं। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा निभाए गए बिहारी किरदार को लोगों ने काफी पसंद किया था, लेकिन यहाँ यह जानना बेहद दिलचस्प है कि शुरू में यह किरदार न तो बिहारी था और न ही इसे शत्रुघ्न सिन्हा निभाने वाले थे। यह किरदार शुरू में क्रमशः रजनीकांत और कमल हासन को ऑफर किया गया था और उस वक्त यह दक्षिण भारतीय किरदार था, लेकिन जब इसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा चुन लिए गए तो इसे एक दक्षिण भारतीय किरदार से बदलकर बिहारी बना दिया गया। फैक्ट नंबर 4, राकेश रोशन और इस फिल्म से जुड़ा एक और झूठ कुछ यूं प्रचलित है कि इसी फिल्म के बाद से ही राकेश रोशन ने अपने बैनर तले बनने वाली सभी फिल्मों का नामकरण अंग्रेजी के अक्षर से करनी शुरू की थी, लेकिन सच तो यह है कि इससे पहले भी साल 1982 में राकेश रोशन ने अपने ही बैनर तले कामचोर नामक फिल्म बनाई थी। हाँ, यहाँ यह कह सकते हैं कि उनके बैनर की 2 कामयाब फिल्मों जिनका नाम के अक्षर से था, राकेश रोशन में यह विश्वास भर दिया कि यह उनके लिए भाग्यशाली है। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में जितेंद्र के अपोजिट अभिनेत्री भानु प्रिया नजर आई थी, लेकिन यहाँ यह जानना रोचक है कि यह भूमिका शुरू में श्रीदेवी को ऑफर किया गया था, लेकिन रोल की लंबाई को कम जानकर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था। इन्हीं दिनों फिल्म दोस्ती दुश्मनी की एडिटिंग के दौरान राकेश रोशन ने भानु प्रिया को देखा और इस फिल्म के लिए चुन लिया। वैसे यहाँ एक रोचक तथ्य यह भी है कि इस फिल्म में भानु प्रिया की आवाज को डब किया गया था, जिसे श्रीदेवी की रेगुलर वॉइस अभिनेत्री नाज ने ही अंजाम दिया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के क्रेडिट सेक्शन के दौरान जिंदगी का नाम दोस्ती नामक गीत रखा गया था और इस गीत में अभिनेता ऋषि कपूर जी ने अपने ही अंदाज में कमाल की प्रस्तुति दी थी, लेकिन आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यह प्रस्तुति शुरू में शोमैन राज कपूर साहब देने वाले थे, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद राकेश रोशन ने अपने परम मित्र ऋषि कपूर को यह जिम्मेवारी सौंपी, जिनमें राज कपूर की झलक साफ साफ नजर आती है। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में गोविंदा और नीलम ने छोटी सी ही सही पर बेहद यादगार भूमिका निभाई थी, खास करके उन पर फिल्माया गया आपके आ जाने से नामक गीत आज भी काफी लोकप्रिय है। इस गाने की शूटिंग को याद करते हुए गोविंदा बताते हैं कि वो अपने भांजे को कंधे पर लेकर माता वैष्णो देवी का दर्शन करने गए थे और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने के कारण उनके पांव सूज गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राकेश रोशन के आग्रह पर सूजे हुए पांव के साथ ही मात्र 6 घंटे में इसकी शूटिंग पूरी कर ली थी। मशहूर अभिनेता चंकी पांडे की माने तो फिल्म में गोविंदा के द्वारा निभाई गई भूमिका शुरू में उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन अत्यंत व्यस्त होने के कारण वो इसे
इसे स्वीकार नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 8, फिल्म खुदगर्ज की कहानी साल 1979 में प्रकाशित जेफरी आर्चर की अंग्रेजी उपन्यास केन एंड अबेल पर आधारित थी। खैर, साल 1987 में जब फिल्म खुदगर्ज कामयाब रही तो आगे चलकर इसी कहानी पर अन्य कई फिल्में भी बनी। मसलन साल 1988 की तेलुगु फिल्म प्राणा स्नेहितुलु, 1992 की तमिल फिल्म अन्ना मलाई, 1993 की तेलुगु फिल्म कोंडापल्ली राजा, 2003 की कन्नड़ फिल्म गोकर्णा और 2003 की ओडिया फिल्म ए जुगाड़ा कृष्णा सुदामा। फैक्ट नंबर 9, अभिनेता किरण कुमार ने बतौर नायक कुछ असफल फिल्में करने के बाद यह मन बना लिया कि वो अब अपने पिता जीवन साहब के तर्ज पर खलनायक की ही भूमिका निभाएंगे। इस फैसले के बाद बतौर खलनायक सबसे पहली फिल्म जो उन्होंने साइन की थी वो खुदगर्ज ही रही। किरण कुमार चाहते थे कि उनकी शानदार खलनायकी उनके पिता जीवन साहब भी देखें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि फिल्म के रिलीज से कुछ ही दिन पहले उनका निधन हो गया। फैक्ट नंबर 10, राकेश रोशन के द्वारा निर्मित पिछली फिल्मों और इसमें एक खास अंतर यह नजर आता है कि उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में लता मंगेशकर, किशोर कुमार और आशा भोसले जैसे पुराने गायकों की आवाजें ली थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने नितिन मुकेश, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम जैसे नए गायकों की सेवाएं ली। फैक्ट नंबर 11, राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन अपने पिता की जीवनी में लिखती है कि उनके पिता और रजनीकांत के बीच गहरी दोस्ती थी और दोनों ने 4 फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन वो चारों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। जब दोनों फिल्म भगवान दादा में काम कर रहे थे तो राकेश रोशन ने उन्हें खुदगर्ज फिल्म ऑफर किया, लेकिन रजनीकांत ने उन्हें यह कहा कि खुदगर्ज जैसा ही वो किरदार फिल्म उत्तर दक्षिण में भी निभा रहे हैं, ऐसे में वो एक जैसा रोल करना नहीं चाहते। इसके बाद राकेश रोशन फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर कमल हासन के पास गए, पर कमल हासन ने भी फिल्म की स्क्रिप्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें ऐसी स्क्रिप्ट की रत्ती भर परवाह नहीं है। इस बात से दुखी राकेश रोशन ने अपने स्क्रिप्ट में दक्षिण भारतीय अभिनेता को लेने का विचार सदा के लिए त्याग दिया और किरदार को उत्तर भारतीय कर दिया। फैक्ट नंबर 12, निर्माता प्रहलाद निहलानी बताते हैं कि फिल्म खुदगर्ज से पहले शत्रुघ्न सिन्हा एक फिल्म करने के लिए 10 लाख रुपए लिया करते थे, पर खुदगर्ज फिल्म की जबरदस्त सफलता को देखते हुए उन्होंने अपनी अगली फिल्म कानून क्या करेगा के लिए अपनी फीस बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी थी। प्रहलाद निहलानी ये भी बताते हैं कि फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन खुद उन्होंने ही किया था और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि सालों तक वो इस फिल्म से पैसे बनाते रहे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म खुदगर्ज के गीत आपके आ जाने से के बारे में राकेश रोशन बताते हैं कि उन्होंने इस गाने को यह कहकर फिल्म में डालने से मना कर दिया था कि वो युवा प्रेमी जोड़े पर गजल जैसा गाना शूट करना नहीं चाहते, लेकिन उनके भाई राजेश रोशन ने उन्हें बहुत मनाकर फिल्म में यह गाना शामिल करवाया और आखिरकार ये फिल्म का सबसे लोकप्रिय गीत बना। इसलिए राकेश रोशन कहते हैं कि उनके भाई को उनसे बेहतर संगीत की समझ है और इसलिए वो अपनी हर फिल्म में उन्हीं को बतौर संगीतकार लेते हैं। फैक्ट नंबर 15, फिल्म खुदगर्ज में शत्रुघ्न सिन्हा के बिहारी बाबू किरदार की काफी तारीफ हुई, पर अफसोस यह रहा कि साल 1987 में सुरक्षा कारणों के चलते फिल्म फेयर पुरस्कार का ऐलान नहीं किया गया, जिससे ये फिल्म और शत्रुघ्न सिन्हा अवार्ड से वंचित हो गए। हालांकि फिल्म खुदगर्ज के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को पंजाब कलाश्री सम्मान से नवाजा गया था। फैक्ट नंबर 15, यूं तो फिल्म खुदगर्ज काफी तारीफें और दर्शकों का प्यार हासिल की, पर कई जगह पर फिल्म को केन एंड अबेल उपन्यास की नकल करने के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा। बॉम्बे पत्रिका ने 1989 में लिखा कि भले ही राकेश रोशन ने खुदगर्ज और खून भरी मांग जैसी सुपरहिट फिल्में दी हों, पर दोनों ही फिल्में सेकेंड हैंड माल हैं। दीप्त कीर्ति चौधरी ने भी अपनी किताब में लिखा कि जेफरी आर्चर ने भी इस बात पर आपत्ति जताई थी कि उनके बेस्ट सेलिंग उपन्यास को बॉलीवुड ने बेशर्मी से नकल करके दो दोस्तों की कहानी को दुश्मनी की कहानी बना दिया है। तो ये थी जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की बेहद लोकप्रिय फिल्म खुदगर्ज पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।